हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका सौरभ जोशी और आ गया हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे मन सुंदर, मन अति सुंदर और सुहानी सी एक लड़की के बारे में। सुहानी सी एक लड़की 2014 में स्टार प्लस पर आया था और यह शो ने ऑडियंस को बहुत ही पसंद किया गया था। शो में इलाहाबाद में रहने वाली लड़की सुहानी की कहानी दर्शाता है, जिसका रंग थोड़ा सांवला होता है और शादी के बाद उसे रंग रूप का काफ़ी ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। शो में सुहानी की शादी बिरला परिवार में होती है और शादी के बाद रंग रूप के लिए काफी ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो वहीं पर मन सुंदर में भी ये इसी प्रकार दिखाया गया था, जैसे कि रुचिता की शादी गोयल निवास पे हुई थी और शो में शादी के बाद रुचिता को भी काफ़ी ज़्यादा रंग रूप का भेदभाव का सामना करना पड़ा था। तो वहीं पर रुचिता की बेटी रूही, यानी कि गोयल निवास में जब रूही की शादी होती है तो शादी के बाद भी रूही को भी रंग रूप के लिए काफ़ी ज़्यादा ही मैच्योरिटी की जाती है। तो वहीं पर दंगल टीवी पर हाल फिलहाल ही में शो मन अति सुंदर शुरू हुआ है, जिसमें राधिका का वजन अधिक होने के कारण उसकी सासू माँ उसे हमेशा ही गलत शब्द बोलती है। तो यही रही है सो सीरियल मन अति सुंदर, जो कि ऑडियंस को बहुत ही पसंद आता है। बात करें मन सुंदर, मन अति सुंदर के प्रोडक्शन हाउस की, तो इन तीनों शो की प्रोडक्शन हाउस एक ही है, जैसे कि इस शो को सुजाना घुई ने रचा है और यह शो ऑडियंस को बहुत ही पसंद आता है। सुहानी सी एक लड़की जब अपने समय में शुरू हुआ था तो ये ऑडियंस को बहुत ही पसंद आया था। तो वहीं पर सुजाना मैम के दोनों शो ऑडियंस को बहुत ही पसंद आते हैं। इनमें से कौन सा है फेवरेट, इस वीडियो को कीजिए लाइक।